पहला शमूएल अध्याय 6 कुलपद 21। यहोवा का संदूक पलिश्तियों के देश में 7 महीने तक रहा। तब पलिश्तियों ने याजकों और भावी कहने वालों को बुलवाकर पूछा कि यहोवा के संदूक से हम क्या करें, हमें बताओ कि क्या प्रायश्चित देकर हम उसे उसके स्थान पर भेजें। वे बोले, यदि तुम इसराइल के देवता का संदूक वहां भेजो तो उसे वैसे ही ना भेजना, उसकी हानि भरने के लिए अवश्य ही दोष बलि देना, तब तुम चंगे हो जाओगे और तुम जान लोगे कि उसका हाथ तुम पर से क्यों नहीं उठाया गया। उन्होंने पूछा, हम उसकी हानि भरने के लिए कौन सा दोष बलि दें। वे बोले, पलिश्ती सरदारों की गिनती के अनुसार सोने की 5 गिलटियां और सोने के 5 चूहे, क्योंकि तुम सब और तुम्हारे सरदार दोनों एक ही रोग से ग्रसित हो। तो तुम अपनी गिलटियों और अपने देश के नाश करने वाले चूहों की भी मूर्तें बनाकर इसराइल के देवता की महिमा मानो। संभव है कि वह अपना हाथ तुम पर से और तुम्हारे देवताओं और देश पर से उठा ले। तुम अपने मन क्यों ऐसे हठीले करते हो जैसे मिस्रियों और फिरौन ने अपने मन हठीले कर दिए थे। जब उसने उनके मध्य में अचंभित काम किए, तब क्या उन्होंने उन लोगों को जाने ना दिया और क्या वे चले ना गए? सो अब तुम एक नई गाड़ी बनाओ और ऐसी 2 दुधार गायें लो जो जुए तले ना आई हों, और उन गायों को उस गाड़ी में जोत कर उनके बच्चों को उनके पास से लेकर घर को लौटा दो। तब यहोवा का संदूक लेकर उस गाड़ी पर धर दो, और सोने की जो वस्तुएं तुम उसकी हानि भरने के लिए दोष बलि के रीति से दोगे, उन्हें दूसरे संदूक में धर के उसके पास रख दो। फिर उसे रवाना कर दो कि चली जाए, और देखते रहना, यदि वह अपने देश के मार्ग से होकर बेत शमेश को चले तो जानो कि हमारी यह बड़ी हानि उसी की ओर से हुई है, और यदि नहीं तो हमको निश्चय होगा कि यह मार हम पर उसकी ओर से नहीं परंतु संयोग ही से हुई है। उन मनुष्यों ने वैसा ही किया, अर्थात 2 दुधारू गायें लेकर उस गाड़ी में जोती और उनके बच्चों को घर में बंद कर दिया। और यहोवा का संदूक और दूसरा संदूक और सोने के चूहों और अपनी गिलटियों की मूर्तों को गाड़ी पर रख दिया। तब गायों ने बेत शमेश का सीधा मार्ग लिया, वे सड़क ही सड़क बंबाती हुई चली गईं, और न दहने मुड़ी और न बाएं, और पलिश्तियों के सरदार उनके पीछे पीछे बेत शमेश के सिवाने तक गए, और बेत शमेश के लोग तराई में गेहूं काट रहे थे। और जब उन्होंने आंखें उठाकर संदूक को देखा तब उसके देखने से आनंदित हुए, और गाड़ी यहोशू नामक एक बेत शमेशी के खेत में जाकर वहां ठहर गई जहां एक बड़ा पत्थर था। तब उन्होंने गाड़ी की लकड़ी को चीरा और गायों को होम बलि करके यहोवा के लिए चढ़ाया, और लेवियों ने यहोवा के संदूक को उस संदूक के समेत जो साथ था जिसमें सोने की वस्तुएं थी उतार के उस बड़े पत्थर पर धर दिया, और बेत शमेश के लोगों ने उसी दिन यहोवा के लिए होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। यह देखकर पलिश्तियों के 5 सरदार उसी दिन एक्रोन लौट गए। सोने की गिलटियां जो पलिश्तियों ने यहोवा की हानि भरने के लिए दोष बलि करके दे दी थीं, उनमें से 1-2 अशदोद की ओर से, 1 गाजा, 1 अश्कलोन, 1 गत और 1 एक्रोन की ओर से दी गई थी। और वह सोने के चूहे क्या शहर पनाह वाले नगर, क्या बिना शहर पनाह के गांव, वरन जिस बड़े पत्थर पर यहोवा का संदूक धरा गया था वहां पलिश्तियों के 5 सरदार के अधिकार तक की सब बस्तियों की गिनती के अनुसार दिए गए। वह पत्थर तो आज तक बेत शमेशी यहोशू के खेत में है, इस कारण से कि बेत शमेश के लोगों ने यहोवा के संदूक के भीतर झांका था। उसने उनमें से 70 मनुष्य और फिर 50,000 मनुष्य मार डाले, और वहां के लोगों ने इसलिए विलाप किया कि यहोवा ने लोगों का बड़ा ही संहार किया था। तब बेत शमेश के लोग कहने लगे, इस पवित्र परमेश्वर यहोवा के सामने कौन खड़ा रह सकता है?
और वह हमारे पास से किस प्रकार चला जाए। तब उन्होंने किर्यत यारीम के निवासियों के पास यूं कहने को दूत भेजे कि पलिश्तियों ने यहोवा का संदूक लौटा दिया है, इसलिए तुम आकर उसे अपने यहां ले जाओ। पहला शमूएल अध्याय 6 कुलपद 21। यहोवा का संदूक पलिश्तियों के देश में 7 महीने तक रहा। तब पलिश्तियों ने याजकों और भावी कहने वालों को बुलवाकर पूछा कि यहोवा के संदूक से हम क्या करें।